ॐ ब्रह्मर्वाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ क्रीं क्रीं क्षीं ह्रीं द्रीं प्रीं ह्रीं। ॐ क्रीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भैरव महाराज का, क्षेत्रपाल महाराज का एक शत्रु विनाशक मंत्र है, जो समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का विधि विधान अपने इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यह मंत्र सुनने से भी प्रभाव दिखाता है, तो जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रवण नहीं किए हैं वो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, इस मंत्र को श्रवण कर लीजिएगा। क्योंकि बुंदेलखंडी मंत्र चाहे किसी भी इष्ट का हो, हर प्रकार का मंत्र किसी न किसी के ऊपर प्रभाव जरूर दिखाता है और तत्काल ही असर करता है। यह मंत्र भी हमें विश्वास है कि आपके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करता है। उसमें से भूत प्रेत शत्रु भी है, तंत्र शत्रु है, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु है, मतलब जो हमें क्षति पहुंचाता है वह हमारा शत्रु माना जाता है। इसके अलावा जिंदा शत्रुओं के ऊपर भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का यदि सही विधि विधान से कोई व्यक्ति प्रयोग कर जाता है तो हर तरह के शत्रु का रातों रात शमन हो जाता है। कि भैरव महाराज कालों के काल माने जाते हैं और कहा जाता है कि भैरव महाराज निर्णय के देवता भी माने जाते हैं। जो भी हमें क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, जो भी हमें घात करता है, चाहे वह भूत प्रेत हो या जिंदा शत्रु क्यों ना हो, उन सब का शमन भैरव महाराज कर ही देते हैं। इस मंत्र को लगातार श्रवण करके आपको कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से यह आपको कुछ ना कुछ लक्षण जरूर उभार के आएगा। जब मंत्र कंठस्थ हो जाए तब इसको साधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। विधि पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे हम छोटी सी विधि है, ज्यादा बड़ी विधि है नहीं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तभी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं। यदि हमारे मंत्रों से किसी को भी फायदा हुआ है, किसी को भी फायदा हो रहा है श्रवण से या विधि से, तो ऐसे लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ऐसा मेरा आग्रह है। चलिए विधि को श्रवण करने से पहले मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। ओम काला भैरव कंकाल वीर हाथ नर कपाल काली के पुत्र भैरव कालों के काल झूम झूम काल दंड मारो हबकी मांस काटो बोटी बोटी शत्रु की खाओ यम का दूत भूत संदंड मारो फूटे कपाल टूटे हार नर रुधिर कपाल भरो मुक्का मार मार दुष्ट तंत्र और शत्रु को डसो इन सब दुष्टन को जमलोक में डारो दुहाई लगे महाकाली की मंत्र गुरु वचन से चले। ओम छम चित्रपालाय नमः। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। एक बार और मंत्र सुनेंगे। ओम काला भैरव कंकाल वीर हाथ नर कपाल काली के पुत्र भैरव कालों के काल झूम झूम काल दंड मारो हबकी मांस काटो बोटी बोटी शत्रु की खाओ यम का दूत भूत संदंड मारो भूटे कपाल टूटे हार नर रुधिर कपाल भरो मुक्का मार मार दुष्ट तंत्र और शत्रु को डसो इन सब दुष्टन को जमलोक में डारो दुहाई लगे महाकाली की मंत्र गुरु वचन से चले। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। इस तरह का मंत्र है, मंत्र को बढ़िया से श्रवण करिएगा और सुनते ही इस मंत्र को कंठस्थ करिएगा तो आधा लाभ तो आपको सुनते सुनते ही मिल जाएगा। जब हम किसी मंत्र को लगातार सुनते हैं और उस मंत्र को कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं तो उसकी कुछ ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है, जिससे हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में तमाम प्रकार के शत्रु छुपे होते हैं, भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, रोग शत्रु, ये सब शत्रु ही है हमारे। इन सब शत्रुओं का शमन होने लगता है सुनने मात्र से। चलिए मंत्र आपने सुन लिया है, लगातार सुनने के लिए पिछला वाला वीडियो देखिएगा। अब इसकी विधि जानते हैं। इसकी विधि जानने के लिए आपको कुछ मुहूर्तों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि दीपावली की रात्रि, दीपावली के बाद के 11 दिन और नवरात्रि की अष्टमी और इसके अलावा कालाष्टमी। ये सब मुहूर्त नहीं मिलते हैं तो अमावस्या के दिन इस मंत्र का आप विधि विधान कर सकते हैं, आपका कार्य हो जाएगा। तो प्रयास करें कि हम विशेष मुहूर्तों का इंतजार करें तो अच्छी बात है। जिसको जल्दबाजी होती है तो अमावस्या का पालन कर सकता है। तो देखिए आम अमावस्या जो होती है उस समय आपको इसको जप संख्या जो है बढ़ानी पड़ेगी। जब मुहूर्त में इसकी करेंगे तो आप जितनी संख्या इसकी नियमित है उतनी ही संख्या आपको करने की आवश्यकता है और आपका कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे आम अमावस्या आने वाली है, इस अमावस्या को यदि करते हैं तो इसकी आपको 21 माला जप करना पड़ेगा। और जैसे दीपावली की रात्रि हो गई, नवरात्रि की अष्टमी हो गई, कालाष्टमी हो गई, ऐसी तिथियों में यदि आप करते हैं इस मंत्र को तो उस समय आपको 11 माला जप करने की जरूरत है। मतलब सीधा सीधा आधे का अंतर हो जाता है। तो आपको तय करना है कि कब इस मंत्र का आपको सिद्धिकरण करना है। इस मंत्र का सिद्धिकरण करने के लिए आपको किसी एकांत जगह का चुनाव करने की आवश्यकता है। संस्थान का चुनाव कर सकते हैं, भैरव महाराज के किसी मंदिर का चुनाव कर सकते हैं, और कोई दोनों जगह नहीं है तो किसी जंगल एकांत स्थिति का आप चुनाव कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए जब इस मंत्र की साधना करें तो एक सहयोगी आपके पास होना अनिवार्य है, वो भी पक्का सहयोगी होना चाहिए, डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे सहयोगी को आप रखें अपने पास। इसके बाद एक भैरव महाराज का चित्र ला लीजिए
एक पट्टा ले लीजिए, लकड़ी का पट्टा होगा, बबूल की लकड़ी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है तो कोई भी पट्टा चलेगा। उस पट्टे को बिछा दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बबूल की पत्तियां या लकड़ी कुछ भी डाल दीजिए, फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसके ऊपर आप काला वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर भैरव महाराज का चित्र स्थापित कर दीजिए, अपना आसन भी काला रखिए, रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। सारी चीजों को स्नान ध्यान कराने के बाद, भोग दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद अपना सर्वप्रथम आप घेरा कीलन करिए। कंकाली घेरा कीलन मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध है, सर्च कर लीजिएगा, उस मंत्र से आप घेरा कीलन कर सकते हैं। इसके बाद आसन बंधन मंत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो उस मंत्र का भी आप प्रयोग करेंगे आसन बांधने के लिए। इसके बाद अपनी माला का पूजन करेंगे, और माला का पूजन करने के बाद माला से आपको जप करना है। ध्यान दीजिएगा, सरसों का तेल ही दीपक में जलाना है, तो बाएं तरफ अपने सरसों का तेल का दीपक आप जला लीजिएगा, और दीपक में इतना तेल डालिएगा, इतना पर्याप्त कि वह रात भर आपका जल सके, क्योंकि यह मंत्र की जो जाप है आपको सूर्यास्त होने के बाद से ही शुरू करना है, दिन में इसका मंत्र का जाप नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हैं। 11 माला जप पूरा करिए। 11 माला जप करने के बीच में है, यदि कोई प्रभाव नजर आता है, कोई आस नजर आती है, कोई लक्षण नजर आता है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैरव महाराज है, निर्णय के देवता माने जाते हैं। यदि आप कोई कार्य गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको क्षति नहीं पहुंचेगी। फिर भी आपको एक कवच की जरूरत पड़ेगी सिद्धि करते समय, तो कवच हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, फोन लगाकर या टेलीग्राम में जुड़कर हमारे यहाँ से कवच आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप अपना कवच स्वयं ही बना सकते हैं, हमारे चैनल पर कवच बनाने की वीडियो उपलब्ध है, जिसमें कुछ सिद्ध औषधियाँ डाली जाती हैं और कुछ मंत्रों के सहारे कवच बना लिया जाता है। उस कवच को आप सिद्धि करने से पहले, अपने पूजन में बैठने से पहले कवच आपको धारण कर ही लेना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि की, कर्म की, मन की, सारी चीजों की सुरक्षा होती है, जिससे हम विकृत नहीं हो पाते। अक्सर देखा जाता है जो शत्रुनाशक मंत्र होते हैं, ऐसी मंत्र की जब हम साधना करते हैं तो अक्सर बुद्धि विकृत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए कवच अनिवार्य मान लीजिए कि इस मंत्र के लिए है। मंत्र का जाप करिए, 11 माला जप करने के बाद उसका एक माला कम से कम आप शुद्ध घी के साथ होम लगाइए। होम लगाने के बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए, और भैरव महाराज के दाहिने तरफ एक पात्र रखिए, जिस पात्र में आप मदरा की धार देकर भगवान को अर्पण करेंगे। वो मदरा जो होनी चाहिए देसी महुआ वाली होनी चाहिए, अंग्रेजी वगैरह नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया देसी मदरा, उनको प्रसाद के रूप में अर्पण करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रसाद आप भैरव महाराज को लगा रहे हैं उस प्रसाद को आपको पान करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रसाद आप लगाएंगे वहीं पे उसे आप छोड़ देंगे। यदि घर में किसी कारणवश एकांत नहीं मिल रहा आपको, घर में इस मंत्र की साधना कर रहे हैं, वैसे तो घर में करनी नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी बस करना पड़ रहा है, तो देख लीजिएगा परिवार के सदस्य आपके घर में नहीं होने चाहिए, अकेले ही आप हो तभी इस मंत्र की आप साधना करें। हाँ, एक सहायक जरूर अपने पास आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सहायक के पास भी कवच होना अनिवार्य है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। सहायक इसलिए जरूरी होता है, किसी चीज में कमी बढ़ी हो जाती है, कोई पूजा में विघ्न डालने आता है इंसान, ऐसे समय में वह उन लोगों को समझा सकता है, बातचीत कर सकता है, ये सारी चीजें, या कोई चीज कम हो गई तो वो ला के दे सकता है आपको, ये सारी चीजों के लिए एक सहायक होना अनिवार्य है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आती है कि इसे हम प्रयोग कैसे करें, तो प्रयोग भी इसका आसान है। एक आपको खप्पर लाना है बाजार से, घड़ा आसानी से मिल जाता है, घड़े को बढ़िया ऊपर ऊपर काट लीजिए, खप्पर का उसे आकार दे दीजिए, खप्पर कोरा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूरे खप्पर के अंदर आपको भैरव महाराज का श्रृंगार रखना है, वस्त्र रखना है, सारी चीजें रखनी है, उसमें मदरा भी रखनी है, और नारियल रखना है, जायफल रखना है, नींबू रखना है, मदरा वगैरह सारी चीजें उसके अंदर रखने के बाद आपको ये देखना है कि आप किस शत्रु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं। उस शत्रु की उपयोग की हुई कोई सामग्री भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि बाल हो, वस्त्र हो, नाखून हो, कोई भी चीज चलेगी, उस सामग्री को भी भैरव महाराज से प्रार्थना करते हुए उस सामग्री को भी आपको खप्पर के अंदर डाल देना है। इसके बाद इसी मंत्र का कम से कम आपको 108 बार पाठन करना है, और खप्पर के चारों ओर मदरा की आपको धार देनी, खप्पर के अंदर नहीं डालना है, खप्पर के अंदर जो आपने रख दिया चीज रख दिया, बाहर से उसके खप्पर के चारों ओर धार गिराना है, मतलब राउंड में घेरा बनाना है, इसी मंत्र का आपको पाठन करते हुए। जब आपके यह 108 बार इस मंत्र का पाठन पूरा हो जाए, एक एक माला यानी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करनी है, उसमें घी का होम लगाना है भैरव महाराज के, और प्रार्थना करनी है कि भैरव महाराज मेरा शत्रु मेरे को बार बार क्षति पहुंचाता है, मेरे को ऐसी ऐसी परेशानी देता है, अपनी भावनाओं में अपने शब्दों में आप प्रार्थना करते हुए और उसकी इस तरह क्षति हो जाए। ऐसे इस मंत्र का कभी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कई साधकों ने मांगी थी विधि तो हम बताए जा रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका गलत प्रयोग आप नहीं करिएगा।
जांच लीजिएगा कि शत्रु वाकई दोषी है या नहीं है, ठीक है। ऐसा करने के बाद उस खप्पर को आपको उस स्थान से लेकर किसी ऐसे एकांत में जाना है जैसे कि शमशान का स्थान हो जाए, वो अच्छी बात है। नहीं है शमशान का स्थान तो किसी जंगल में भी आप उस खप्पर को एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर उस खप्पर को आप रख दीजिए। गड्ढा इस हिसाब से खोदिएगा 1.5-2 फीट का, ताकि वो खप्पर आसानी से रह जाए, और जब उस खप्पर को आप मिट्टी से ढकें तो वो टूटे फूटे ना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो खप्पर डालकर उसके ऊपर बढ़िया से मिट्टी डाल दीजिए। काली गुंजा बाजार में आसानी से मिल जाती है, पूजा पाठ की दुकान में काली गुंजा आपको ला लेनी है। वो काली गुंजा के 5 बीज आपको ले लेने हैं। इसी मंत्र का एक बार पाठन करते हुए एक बीज आपको मिट्टी में बोना है, दूसरी बार मंत्र का पाठन करते हुए दूसरा बीज बोना है। इस तरह आपको 5 बार 5 मंत्र पढ़ते हुए और 5 बीज आपको उस मिट्टी में खप्पर के ऊपर जो मिट्टी आपने डाली उस पर आपको लगा देने हैं। हल्का सा पानी डाल देना है और फिर वहाँ एक बार फिर मंत्र का पाठन करते हुए दारू का आपको मदरा का आपको चाक लगा देना है, ठीक है। एक नींबू काटना है और नींबू की धार आपको जमीन पर देनी है इसी मंत्र का आप पाठन करते हुए, और बस इसके बाद भैरव महाराज से प्रार्थना करते हुए आप अपना स्थान छोड़कर अपने घर आ सकते हैं। बाकी कार्य भैरव महाराज का है। यदि आपका शत्रु दोषी है तो जैसे ही उन्हें गुंजा के बीजों में अंकुर निकलेगा वैसे ही आपके शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता में यदि आपका शत्रु दोषी है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी शंका भर होती है कि हमारा शत्रु दोषी है, वह हमारे ऊपर तंत्र करवा रहा है, टोना करवा रहा है, शुट करवा रहा है, मतलब वास्तविकता में वो हमारा बुरा नहीं कर रहा है, ऐसा हमको लगता है कि बुरा कर रहा है, तो ऐसे में भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं। तो इस मंत्र का प्रभाव यदि वो दोषी है तो अपने आप ही हो जाता है, यदि दोषी नहीं है तो इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गई शत्रु का विषय, लेकिन इस मंत्र का आप भूत प्रेत बाधा तंत्र बाधा में झाड़ा लगा सकते हैं। गऊ के पूंछ के बालों की जो रस्सी बनाई जाती है सांठ कहते हैं, जिसे आसानी से पूजा पाठ की दुकानों में बनी बनाई भी मिल जाती है, नहीं तो आप किसी से बनवा लीजिए, ठीक है। उस रस्सी के सहारे इस मंत्र का पाठन करते हुए यदि आप झाड़ा लगाते हैं, भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की हो तुरंत ही छोड़कर भाग जाएगी, तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। इसी कारण सांठ आपको नहीं मिल पाती है। तो हमारे पीछे देखिए सांगीन है, इस सांगीन का आप प्रयोग कर सकते हैं झाड़ा के रूप में, तत्काल ही भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, कोशों दूर भाग जाएंगे, जिंदगी में कभी भी बाधाएं उस व्यक्ति के आसपास नहीं आएंगी। भैरव महाराज किसी भी दुष्ट बाधा को बख्शते नहीं है, उसको हर हाल में नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, गड़ा देते हैं सीधे जमीन में। भैरव महाराज इकलौते ऐसे देव हैं जो इस कलयुग में तत्काल ही कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब इनके मंत्रों में या इनके स्मरण में ज्यादा समय नहीं लगता, तत्काल ही प्रभावशील इनके मंत्र नजर आते हैं और सारे कार्य तुरंत ही संभव हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा तो हम बेहतर आपको जानकारी प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हम जो विधि बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है बताने में वीडियो के माध्यम से, लेकिन जब आमने सामने विधि के बारे में हम वर्णन करें या किसी को बताएं तो जो चूकी हुई चीज़ें होती हैं वो सब समझ में आ जाती हैं। जो पहली बार इस विधि को करने वाला हो उनसे ऐसा आग्रह है कि वो किसी न किसी जानकार के सामने ही करें, क्योंकि जैसी विधियाँ शत्रुनाश की खासकर विधियाँ कभी भी अकेले में नहीं करनी चाहिए, या बिना जानकार के तो कभी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई जानकार गुरु है आपका आसपास तो उसके संरक्षण में आप इस विधि को कर सकते हैं। हाँ, भूत प्रेत झाड़ा के लिए किसी भी संरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी भी कवच की जरूरत नहीं है, किसी भी घेरा बंधन की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में ये ध्येय है कि हम परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, भूत प्रेत में झाड़ा लगाएंगे, लोगों का भला करेंगे, तो फिर आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, भैरव महाराज स्वयं भी आपकी सुरक्षा करने में लग जाएंगे और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, शत्रुनाश विशेष में इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सारी सेफ्टियों की आपको जरूरत है, सारे सुरक्षा प्रबंधों की आपको जरूरत पड़ेगी। सभी को जय श्री राम, जय मंजू महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, चेक कर लीजिएगा।